हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इन आवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड टू डिस्कस अबाउट द मेन स्पेस प्रोग्राम्स एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पेस प्रोग्राम डेवलपमेंट इन वर्ल्ड एंड इन विच वी स्टडीड दैट द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट वर सेंड इन द स्पेस स्पूतनिक फर्स्ट बाय रशिया. द फर्स्ट पर्सन which traveled in space, that is Yuri Gagarin, also Russian, and the first space station that was Salyut first, which is also Russian. And in July 1969, America landed the first human, that is Neil Armstrong, in the moon. Okay, and then we also discussed about the main space agencies of worldwide, that is Roscosmos of the Russia and NASA of America, National Space Agency that is in China, European Union's European Space Agency and ISRO of India. Okay, and after that we discussed about the benefits of space programs, or we particularly discussed about the benefits of artificial satellites. Okay, here we discuss that about the benefits of the artificial satellites, and then we discuss about the goals of space exploration, that is space research, which was moon and then Mars, and then we discuss about the other planets of our solar system and their moons, and then we discuss about the importance of the sun, and then in the last we discuss about the asteroids, importance of space research about the asteroid, in which we discussed about the minerals which are found on the asteroids and an asteroid named Bennu. Okay, all of that we discuss in our last class. Now in today's class I am starting the topic India in space, or Indian space programs. Okay, got it? Let us start it. The space research in India started in 1948 as physical research laboratory in Ahmedabad. India के अंदर जो space research है वो 1948 के अंदर physical research laboratory जो Ahmedabad में establish की गई थी उसकी form के अंदर start हुई थी. In 1962 the Indian government formed Indian Space Research Committee. 1962 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस रिसर्च कमिटी ऑर्गेनाइज की या बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई. एंड वन क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम इंपॉर्टेंस एंड फॉर द जीके ऑल्सो, विक्रम साराभाई इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कंसिडर किया जाता है, मतलब जो स्टार्ट उन्होंने ही किया था. दिस कमिटी बिल्ड तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नियर तिरुवंतपुरम एंड स्टार्टेड द स्पेस रिसर्च बाय सेंडिंग द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर. इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडिंग सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च कमिटी है, इसने तुम्बा जो तिरुवंतपुरम है उस तिरुवंतपुरम के पास एक तुम्बा नाम का एक लॉन्चिंग स्टेशन डेवलप किया, स्पेस स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन. और वहां पर उन्होंने एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर्स है उनकी स्टडी करना स्टार्ट किया. अब ध्यान रखना यहां पर अभी तक इंडिया ने रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट नहीं किया है, लॉन्चिंग स्टेशन बनाया था जहां से जो प्रोटोटाइप्स है रॉकेट के छोटे, उनको उन्होंने लॉन्च करते हुए स्पेस की एक्सप्लोरेशन किया, स्टार्ट किया. ओके, इन 1969 दिस कमेटी वाज रिप्लेस्ड और रीनेम्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. 1969 में इस कमेटी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, या अपन बोल सकते हैं इसी कमेटी का नया नाम क्या कर दिया गया, इसरो. और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, दैट इज
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट दैट इज रोहिणी 75 इन 1969 विच वॉज ओनली 75 mm इन डायमीटर। इंडिया ने अपना सबसे पहले रॉकेट का टेस्टिंग, हालांकि लॉन्चिंग वर्ड है यहाँ पर वर्ड, बाकी लॉन्चिंग सही नहीं है, लॉन्चिंग तो आगे आएगा SL विथार्ड। तो इन्होंने एक प्रोटोटाइप बोल सकते हैं अपन रोहिणी 75, इसको 1969 के अंदर लॉन्च किया, जो कि केवल और केवल 75 mm था डायमीटर में, मतलब जो उसकी थिकनेस थी दैट इज ओनली 75 mm। तो इतना पावरफुल वो रॉकेट नहीं था कि इससे सैटेलाइट को ऊपर स्पेस में भेजा जा सके। दैट वाज जस्ट ए प्रोटोटाइप, वो क्या था, एक तरीके से प्रोटोटाइप था कि भाई अपन ने वहां पे टेस्टिंग कर रहे थे अपनी। ठीक, सिंस इंडियन रॉकेट कैपेसिटी वाज नॉट इनफ, इंडिया के जो अभी तक जो स्पेस सॉरी जो रॉकेट कैपेसिटी थी वो इनफ नहीं थी कि किसी सैटेलाइट को वो ट्रेवल करा सके। सो इन 1975 इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने इसीलिए क्योंकि रॉकेट कैपेसिटी थी नहीं, विद द हेल्प ऑफ द रशियन रॉकेट 1975 ने इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्ट, दैट इज आर्यभट्ट, इसे रशिया के सैटेलाइट रॉकेट जो है, कौन, रशिया के जो रॉकेट्स हैं उस रशियन रॉकेट की हेल्प से इसको लॉन्च किया था, बिकॉज खुद के पास इतनी अभी अपन में रॉकेट का जो इतना ज़रा डेवलपमेंट अपना नहीं हुआ था। बट इट, तो इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो कौन सा है, आर्यभट्ट, किसके हेल्प से लॉन्च किया था अपन ने, रशिया के हेल्प से, कब, 1975। ओके, आफ्टर दिस सक्सेसफुल फ्लाइट इंडिया बिकम 11th नेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 11th नंबर पर आ गया था स्पेस रिसर्च में, मतलब अपन 11th नंबर के नेशन थे जिन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। गॉट इट, इंडिया आल्सो सेंड टू सैटेलाइट्स ऑफ द भास्कर सीरीज, दैट इज भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ रशिया। इसके अलावा अपन ने रशिया की हेल्प से दो और सैटेलाइट्स भास्कर सीरीज की, दैट इज भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकेंड, उनको भी रशिया की हेल्प से अपन ने लॉन्च किया। ओके, इन 1981 द सैटेलाइट एप्पल वाज सेंड विद द हेल्प ऑफ एरियन रॉकेट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 1981 के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एरियन रॉकेट था, एरियन रॉकेट, उसकी हेल्प से अपन ने एप्पल नाम का सैटेलाइट स्पेस में भेजा। गॉट इट, इट वाज प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ये जो एप्पल नाम का जो रॉकेट सैटेलाइट था ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर हाइट के ऊपर प्लेस किया। अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम की कंसिडरेशन से, दैट वन, एट दिस हाइट द रोटेशन स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द रोटेशन स्पीड ऑफ अर्थ। इस हाइट पर किसी भी सैटेलाइट की जो रोटेशन स्पीड होती है वो अर्थ की रोटेशन स्पीड के बराबर हो जाती है, मतलब जिस स्पीड के साथ यू कैन इमेजिन दैट इज अर्थ एंड दैट इज रॉकेट। तो रॉकेट जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अर्थ भी अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करती है। जितना ज्यादा अर्थ से दूर जाता जाएगा रॉकेट, उसका रिवॉल्वेशन का टाइम पूरा, मतलब एक सर्किल पूरा करने में उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, रेडियस बढ़ गई ना, तो रेडियस बढ़ने पर जो जो अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस, वो बढ़ गया। अगर मैं इसके सर्कुलर पाथ की बात करूं तो उसको टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो 36,000 किलोमीटर की जब डिस्टेंस होती है अर्थ सरफेस और रॉकेट के बीच में, सॉरी सैटेलाइट के बीच में, तो उसकी जो स्पीड है वो अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ मैच हो जाती है, मतलब वो हमेशा अब अर्थ के साथ ही रोटेट वो करता रहेगा। मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उसको लोकेट कर दिया गया
वो पर्टिकुलर एरिया पर ही वो लोकेटेड रहेगा। गॉट इट? तो इसे लोकेट किया गया था इंडिया के ऊपर, तो जब तक ये वर्कआउट करता रहा ये पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर ही लोकेट रहा, क्योंकि रोटेशन स्पीड अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ मैच हुई। गॉट इट? नाउ यहां तक अपन ने जो बात की है वो है अपने स्पेस प्रोग्राम्स, जो अपन ने विद द हेल्प ऑफ द अदर नेशंस, जो अदर नेशंस है जिनके हेल्प से अपन ने इनको रन आउट किया। ओके सॉरी, इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन इंप्रूविंग इट्स रॉकेट कैपेसिटी। इसके बाद इंडिया जो है वो अपनी कैपेसिटी, जो रॉकेट कैपेसिटी है उसको डेवलप करने के अंदर सक्सेसफुल रहा। इसमें केजी मेनन और मोस्ट एपीजे अब्दुल कलाम का रोल आता है। चैप्टर नंबर 18 में अपन ने पढ़ा था जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने नाइक अपाचे प्रोपल्शन टेक्निक जो है वो नासा से सीखी थी, उसके बाद वो इंडिया में आए, उन्होंने उनको एसएलवी प्रोग्राम दिया गया। एसएलवी प्रोग्राम पर पर्टिकुलरली एसएलवी जो प्रोग्राम है दैट इज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उस एसएलवी प्रोग्राम का जब डायरेक्टर उनको बनाया गया तो उनके गाइडलाइन के अंदर जो है वो इंडिया ने अपना सबसे पहला जो रॉकेट, सेल्फ मेड रॉकेट दैट इज एसएलवी थर्ड, वो लॉन्च किया था। ओके सो यहां जो एपीजे अब्दुल कलाम जो आते हैं वहां तक की बात ये है। तो इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन इंप्रूविंग इट्स रॉकेट कैपेसिटी। इंडिया जो है वो अपनी रॉकेट कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में सक्सेसफुल रहा। इंडिया डेवलप इट्स ऑन रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ द सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एसएलवी थर्ड। इंडिया ने जो अपना खुद का जो रॉकेट बनाया वो बनाया था ये किस एसएलवी थर्ड, एसएलवी पूछा जा सकता है नाम। दिस नेम कैन बी आस्क्ड दैट इज व्हाट इज द मीन ऑफ एसएलवी, एसएलवी का मीन्स क्या होता है, तो फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, थर्ड अटेम्प्ट था तो दैट इज एसएलवी थर्ड, तो पर्टिकुलरली एसएलवी बोला जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द एसएलवी इंडिया सेंट रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली इनटू स्पेस। एसएलवी की हेल्प से, एसएलवी की हेल्प से अपन जो है सॉरी एसएलवी की हेल्प से अपन ने रोहिणी नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस में। अब देखो यहां पर क्वेश्चंस क्या आता है, अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया तो आंसर है आर्यभट्ट, और अगर ये पूछा जाए फर्स्ट सेल्फ लॉन्च्ड सैटेलाइट ऑफ इंडिया तो आंसर है रोहिणी। इंडिया का पहला लॉन्च्ड सैटेलाइट कौन सा है, आर्यभट्ट। फर्स्ट सेल्फ लॉन्च सैटेलाइट मतलब हमने खुद ने लॉन्च किया वो है रोहिणी। तो यहां पर क्वेश्चन में जरूर ध्यान से पढ़ना, अगर ये आए तो फर्स्ट सैटेलाइट पूछा गया या फर्स्ट सेल्फ लॉन्च्ड सैटेलाइट पूछा गया। ओके और एक एसएलवी, गॉट इट? ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेड कलर से मार्क्ड किए हुए हैं या जो पेंसिल से अपन ने मार्क किए हैं, ये जनरली पूछे जाते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट बाय ऑन रॉकेट इंडिया टुक सिक्स्थ प्लेस इन द वर्ल्ड। अपने सैटेलाइट को खुद के रॉकेट से लॉन्च करने में हम वर्ल्ड के सिक्स नंबर के नेशन बने। देखो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया उसमें तो अपन थे 11th नंबर की, और खुद के रॉकेट से किया दैट इज सिक्स, हम दैट मीन्स हमसे पहले फाइव अदर कंट्रीज जो हैं, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो ये जो कंट्रीज हैं जापान हो गया, उन्होंने हमसे पहले ही स्पेस के अंदर सेल्फ रॉकेट से लॉन्च किया था, तो हम जो है वो सिक्स नंबर पे थे। ओके इंडिया ऑल्सो हैज बीन सक्सेसफुल इन डेवलपिंग पावरफुल रॉकेट पीएसएलवी। एसएलवी के डेवलपमेंट, जो तीन टाइप के रॉकेट्स होते हैं, तीन टाइप के रॉकेट्स हैं एसएलवी, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एसएलवी मींस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सेकंड इज पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और जीएसएलवी दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। गॉट इट? तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। अगर अपन पावर जनरली बात करें तो एसएलवी थोड़ा लेस पावरफुल होता है, जीएसएलवी
और SLV PSLV जो है दीज आर पावरफुल रॉकेट्स जिनका यूज़ जो टन्स के जो रॉकेट्स हैं सॉरी सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने में किया जाता है। गॉट इट क्लियर। तो जो सबसे ज़्यादा जो हैवी या सबसे ज़्यादा जो पावरफुल माना जाता है वो GSLV मानते हैं। ओके तो हमने इन अपना खुद का जो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वो भी डेवलप कर लिया। दीज रॉकेट सेंड द सैटेलाइट इन ए स्टेट ऑफ ऑर्बिटिंग द अर्थ स्पून। इन्हें पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्यों बोलते हैं उसके मीनिंग बताया हुआ है यहाँ पर कि ये जो है रॉकेट्स ये सैटेलाइट्स को स्टेट ऑफ ऑर्बिटिंग द अर्थ पोल अर्थ के जो पोल हैं उनके ऊपर ऑर्बिट यानी कि रोटेशन करने की जो सैटेलाइट्स हैं उनकी स्टेट्स तक उनको भेजा जाता है। क्या करता है ये जो सैटेलाइट्स हैं ये सैटेलाइट्स स्पेस शटल को या ये जो रॉकेट्स हैं ये स्पेस शटल को या सैटेलाइट्स को अर्थ के पोलर रीजन्स की ऑर्बिटिंग या उनके चारों तरफ रिवॉल्व करने की स्टेट में उनको पहुंचा देते हैं। इसलिए पोलर रीजन्स में लॉन्च करने में यूज करते हैं इसलिए पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ओके इंडियन PSLV आर हाईली कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल। वर्ल्ड में अगर अपन बाकी कंट्रीज के PSLV का कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो इंडियन PSLV जो है वो सबसे ज़्यादा एज अ कंपैरिजन अपन बात करें तो ये सबसे हाईली कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल है। इनकी सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। एज पर माई नॉलेज अगर मेरे नॉलेज की मैं बात करूं तो अभी तक के जितने भी अपन ने लॉन्चिंग की है PSLV की उनमें से टू लॉन्चिंग सक्सेसफुल नहीं रही और मोर देन 40+ जो है वो सक्सेसफुल रही है। ओनली टू एक एक तो 1992 का केस है और एक और मेरे को थोड़ा करेक्टली याद नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स आने के कारण से रॉकेट की लॉन्चिंग नहीं हो पाई। तो दैट इज सक्सेसफुल रेट ऑफ PSLV ऑफ इंडिया। वैसे अगर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट देखी जाए तो वो नासा की 98%, लेकिन PSLV के केस के अंदर हम जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिलायबल है। गॉट इट। देयरफॉर मेनी कंट्रीज लाइक टू सेंड देयर सेटेलाइट फ्रॉम दिस व्हीकल। इसीलिए जो बहुत सारी कंट्रीज हैं इवन अमेरिका ऑल्सो जिनकी स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानती है उसकी उनके भी कुछ सेटेलाइट हमारे जो PSLV है उनसे लॉन्च किए जाते हैं। तो इंडिया बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के जो PSLV व्हीकल है उसका यूज करते हैं। इंडिया इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंडिंग सेटेलाइट्स ऑफ अदर कंट्रीज। इसरो जो है वो आज के टाइम पर इंडिया के जो इंडिया के अलावा जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके सेटेलाइट्स को लॉन्च करते हुए जो है वो आज वर्ल्ड बाकी कंट्रीज से जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि जो फॉरेन के जो मनी है उसको अर्न कर रहा है। इंडिया मेड ए न्यू रिकॉर्ड बाय सेंडिंग 20 सेटेलाइट टुगेदर ऑन जून 2016। जून 2016 में हमने 20 सैटेलाइट्स एक सिंगल रॉकेट से सेंड करके हमने एक रिकॉर्ड बनाया था जिसको बाद में 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। रशिया ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। फिर बाद में ऑन फेब 2017 इसरो सेट ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग ऑफ 104 सैटेलाइट्स बाय ए सिंगल रॉकेट। फरवरी 2017 के अंदर इसरो जो है उसने एक बिल्कुल नया रिकॉर्ड बना दिया जो वर्ल्ड के लिए एक तरीके से अनब्रेकेबल कंडीशन है आज के टाइम पर कि 104 सैटेलाइट्स को हमने एक सिंगल रॉकेट की हेल्प से यानी कि एक सिंगल फ्लाइट में हमने उनको स्पेस के अंदर उनके जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स पे अपन ने उनको लॉन्च कर दिया। तो थोड़ा सा फनी बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी। अमेरिका का जो प्रोग्राम है वो लाइक ए स्कूटर एक सवारी पीछे बस। इंडिया वालों ने बना दिया उसको पहले टैक्सी। रशिया वालों ने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर थोड़ा अपन 8 सीटर गाड़ी मान ले
इंडिया वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ भाई कि बोला ये अच्छा हमारे बराबर, तो उन्होंने तो बाद में उसको ट्रक ही बना डाला, बस ये ट्रक बना दिया कि लो भैया आओ बैठो। तो अभी देखते हैं कोई इसको ट्रेन बनाता है क्या। प्लानिंग है इवन इंडियन जो इसरो है दैट इज प्लानिंग टू लॉन्च 150+ सैटेलाइट्स इन ए सिंगल रॉकेट। इतने सिंगल रॉकेट की अपन प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अभी सक्सेस का पता नहीं। अब थोड़ा सा एक अलग बात कर रहा हूँ, थोड़ा अपने लिए प्राउड फील करने की बात है। व्हेन वी लॉन्च्ड आर्यभट्ट, जब अपन ने आर्यभट्ट लॉन्च किया था तो अमेरिकन न्यूज़पेपर आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक फोटो छपी थी जिसमें इंडिया की इंसल्ट की गई थी, जिसमें इंडियंस जो है एक इंडियन को एक बफेलो लिए हुए एक किसी एक कॉफी हाउस के बाहर खड़ा दिखाया था और उस कॉफी हाउस पे लिखा था इलाइट मेंबर्स ऑफ स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च के तो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं और इंडियंस जो हैं वो अंदर इंटर करना चाहता था, तो वो एक तरीके से हमारे लिए इंसल्टिंग था। आज उसी अमेरिका के इवन नासा के बहुत से सैटेलाइट्स जो हैं वो यही बफेलो वाली कंट्री जो है यानी कि हम लॉन्च करते हैं। जो मार्स ऑर्बिटल मिशन आगे अपन पढ़ेंगे MOM, जब लॉन्च किया गया था और जब वो सक्सेसफुल रहा तो उसी अमेरिकन न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर, शायद आई थिंक फ्रंट पेज के ऊपर वो हेडलाइंस थी कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम में सक्सेस अचीव की। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा हमारे लिए प्राउड फील होने की बात है कि हम जो हैं इतना हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं कि वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज हैं उनके सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च करते हैं। ठीक। इंडिया ऑल्सो डेवलप्ड जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल GSLV विच इज यूज टू लॉन्च जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स। जो इंडिया जो है उसने जियो सॉरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि GSLV भी डेवलप कर लिया, जिससे जो हैवी सैटेलाइट्स है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स जिनको अर्थ के पास में रखा जाता है, पावरफुल सैटेलाइट्स है, उनको लॉन्च करने में इसका यूज किया जाता है। इंडिया हैज सेंड मैनी सैटेलाइट्स ऑन इट्स ऑन स्ट्रेंथ। अभी तक इंडिया जो है वो अपनी ऑन स्ट्रेंथ खुद के दम पर स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स भेज चुका है। दीज सैटेलाइट्स आर हेल्पिंग इन द ऑपरेशन ऑफ द रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीमेडिसिन एटसेट्रा। इन सभी सेक्टर्स के अंदर वो सैटेलाइट्स वर्कआउट कर रहे हैं। इंडिया एस्टेब्लिश्ड चंद्रयान फर्स्ट इन मून्स ऑर्बिट इन 2008 एंड फ्लैगिंग इंडिया ऑन मून सरफेस। इंडिया ने 2008 के अंदर मून के ऑर्बिट में किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ जो पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ होता है जिसपे किसी भी प्लेनेट या सैटेलाइट्स के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रोटेट होते करते हैं वो है ऑर्बिट, जैसे सेम द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इवॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने 2008 के अंदर जो चंद्रयान फर्स्ट है जो हमारा सैटेलाइट था उसको मून की ऑर्बिट में प्लेस करके जो इंडिया है उसका नाम मून के सरफेस के ऊपर फ्लैग्ड कर दिया, यानी कि हमने हमारा जो झंडा है वो लहरा दिया। ओके। इंडिया ऑल्सो लॉन्च चंद्रयान सेकेंड इन टू मून ऑर्बिट एंड ट्राई टू लैंड ए व्हीकल ऑन इट्स सरफेस। एंड यू नो दैट, ये तो अभी अभी की बात है, इंडिया जो सेकेंड है चंद्रयान सेकेंड उससे हमने मून के जो ऑर्बिट है उस मून ऑर्बिट में, सॉरी चंद्रयान लॉन्च, हाँ चंद्रयान टू मून के ऑर्बिट में लॉन्च किया और हमने एक व्हीकल याद होगा विक्रम रोवर, उसको हमने मून के सरफेस के ऊपर लैंड कराने की ट्राई की। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट फ्यू मिनट्स के अंदर, फ्यू सेकंड, हमारा जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो थी, जो उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो रन आउट कर रहा था उसके इश्यूज के कारण से वो उसको हम प्रॉपरली लैंड नहीं करा पाए, तो एक वो मशीन काफ़ी हाइट से गिरने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 98% हम सक्सेस रहे और हम वर्ल्ड की पहली वो कंट्री है जिन्होंने मून के डार्क साइड जो है
उसके ऊपर लैंड कराने की ट्राई की थी। बाकी जितने भी कंट्रीज जिन्होंने मून सरफेस के ऊपर रोवर्स उतारे, उन्होंने जो उसकी लाइट साइड है यानी कि फ्रंट साइड जिसके ऊपर सनलाइट गिरती है उस पर अटेम्प्ट किया था, और हम एक्स्ट्रा हैं तो हमने उसकी बैक साइड जो है जहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है, डार्क साइड, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। हमारा ये जो चंद्रयान 2 है, इसको वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड कंट्रीज ने उसको इसकी अप्रिशिएशन किया कि भाई इतना ज़्यादा सक्सेस, मतलब किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि डार्क बैक साइड के अंदर क्या है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन वगैरह और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो बोले ये ऐसे कैसे कर पाएंगे क्या, तो वो हमने उस चीज़ को अचीव करके वर्ल्ड में एक तरीके से हमने एक बेंचमार्क सेट किया। तो मैं इसको अनसक्सेसफुल तो नहीं बोलूँगा, हाँ ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे थे अपन। ओके लीव इट। इंडिया सेंट मंगलयान MON मार्स ऑर्बिटल मिशन इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन नवंबर 2013 एट गॉट सक्सेस इन इट्स इंस्टॉलेशन इन द मार्स ऑर्बिट ऑन 2014। इंडिया ने MOM दैट इज मंगलयान इसको मार्स के ऑर्बिट में लॉन्च किया था 2013 के अंदर, और सक्सेस मिली इंस्टॉलेशन यानी कि ऑर्बिट में जाकर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रॉपरली लैंड प्रॉपरली स्टेब्लिश हो गया था 2014। एंड आई थिंक दैट पिक्चर ऑफ बॉलीवुड मंगल, आई थिंक दैट द नेम आप लोगों ने देखी भी होगी, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे। द मंगलयान ऑफ द इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 2014। मंगलयान जो है इंडिया का, उसे वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 2014 डिक्लेयर किया गया। वाई? क्योंकि इंडिया बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड वो डिड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम वर्ल्ड के वो पहले देश हैं जिन्होंने मार्स ऑर्बिट, मार्स में अपना सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर दिया या लॉन्च इंस्टॉल कर दिया इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जहां बाकी कंट्रीज को मैनी अटेम्प्ट्स करने पड़े थे, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश करके एक नया बेंचमार्क अपन ने सेट कर दिया। गॉट इट? इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड आदित्यान टू स्टडी द सन। इसके अलावा जो अर्थ इंडिया जो है वो आदित्यान भेजकर भी सन की स्टडी करने की प्लानिंग कर रहा है। ओके नाउ, प्राइवेट और पर्सनल एफर्ट्स इन द स्पेस, ये तो अभी तक जितने भी पन्ने पड़ी वो सब गवर्नमेंट एजेंसीज थी, अब कुछ प्राइवेट एजेंसीज, हालांकि पर्टिकुलरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता, एक यही एक क्वेश्चन है लूनर एक्स, इस एक पर्टिकुलर नेम के लिए अपन ये पैराग्राफ कंसिडर कर रहे हैं। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर नाउ टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पेस। आज बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो स्पेस रिसर्च में इंटरेस्ट ले रही हैं। द एम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इज स्पेस टूरिज्म। इन जो प्राइवेट कंपनीज है उसका जो मेन एम है वो है स्पेस टूरिज्म, उसके अलावा माइनिंग, स्पेस टूरिज्म एंड सेकेंड वन इज माइनिंग ऑफ प्रीसियस मेटल्स विच आर फाउंड इन द अदर प्लेन ऑन द अदर प्लेनेट्स। तो स्पेस टूरिज्म और जो माइनिंग है प्लेन यूजफुल मिनरल्स या मेटल्स की जो अदर प्लेनेट्स पर है, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज कंपनीज। गूगल हैज अनाउंस्ड लूनर एक्स अवार्ड टू इंक्रेज दीज एफर्ट्स। जो गूगल जो कंपनी है उसने प्राइवेट कंपनीज के जो एफर्ट्स हैं स्पेस रिसर्च में उनको इंक्रेज करने के लिए लूनर एक्स अवार्ड अनाउंस किया है। टीम इंडस फॉर अस दैट इज अ प्राउड मोमेंट, इट इज हैदराबाद बेस्ड इंजीनियर्स टीम, हैदराबाद की बेस्ड इंजीनियर्स की टीम है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज सेलेक्टेड इन द फाइनल थ्री टीम्स फॉर दिस लूनर एक्स अवार्ड। तो ये लूनर एक्स अवार्ड के लिए फाइनल जो थ्री टीम्स थी उनके अंदर सेलेक्ट हुई थी। इवन नासा ने इनके वर्क को अप्रिशिएट किया और इनको पर्टिकुलर प्रोग्राम्स अलॉट किए ताकि ये नासा के साथ मिलकर काम कर सके। ओके, टेक
टीम इंडस इज प्रिपेयरिंग दिस प्राइज बाय लैंडिंग ए रोबोट ऑन मून सरफेस। टीम इंडस जो है वो इस प्राइज को जीतने की प्लानिंग कर रही है मून सरफेस के ऊपर लैंड कराकर। लेकिन ये आपको बता दूं, ये अपन ने जो ये बुक है ये 2000 आई थिंक 17 2017 प्रिंटेड है, तो ये बहुत 3 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन ये जो प्राइस है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हम टेक्निकली इश्यूज में थोड़ा सा फेल रहे थे, तो बाकी आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा एफर्ट वो था। एक कंपनी नेम्ड मून एक्सप्रेस हैज ऑब्टेन्ड द परमिशन फ्रॉम नासा टू स्टार्ट द सर्विस फ्रॉम द अर्थ टू मून। एक और कंपनी है जिसका नाम है मून एक्सप्रेस, इंडियन कंपनी है, जिसके जो फाउंडर हैं वो है नवीन जैन। इन्होंने नासा से परमिशन ऑब्टेन कर ली है अर्थ और मून के बीच में जो सर्विस है, अर्थ और मून के बीच में जो सर्विस है उसको स्टार्ट करने की परमिशन उन्होंने नासा से ऑब्टेन कर ली। गॉट इट? सो दैट वाज द प्राइवेट और पर्सनल एफर्ट्स इन स्पेस। इसमें पर्टिकुलरली एक तो लूनर एक्स का अपने को ध्यान रखना है और एक ये टीम इंडस, बस दो लाइनें यहां पर काम की है, बाकी कोई काम का नहीं। गॉट इट? अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट।